दोस्तों, अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था।
उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्मू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय
देख कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्मू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्मू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समो थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में एक
नकाबपोश काली मुथू एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में नौवीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्मू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो
तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश काली मुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्मू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन।
जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासने, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश काली मुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मा ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है।
और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासने, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश काली मुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में नौवीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मा ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि,
कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश काली मुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी साइरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश काली मुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मा ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है।
और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समुथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो
दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में नौवीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि,
कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समुथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी साइरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है।
और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में नौवीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि,
कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी साइरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है।
और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि,
कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी साइरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मा ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है।
और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में नौवीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि,
कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी साइरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मा ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है।
और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अम्बाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बु ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समू थिरकानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में नौवीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मन ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मलार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मलार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 को रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने 95% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि,
कौशिक महाता, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, चांदनी तमिलारासन, समोथिर कानी, योगी बाबू, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों रात में, एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इसी बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मल्लार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके साथियों ने उसे जेल में उसके पिता के दोषी हत्यारे को होने के कारण शर्मिंदा किया था। उसी समय उसके पिता थिलंगावर्मा ने, जो अपनी पत्नी की हत्या लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को अपने मरते हुए पिता और अज्ञात बेटी से मिलने के लिए 14 साल बाद 2 सप्ताह की पेरोल मिलती है। जब मल्लार को पता चलता है कि थिलागन घर आ रहा है तो वह परेशान हो जाती है और उसे देखने से इनकार कर देती है, अपनी तस्वीरें उतार देती है और अपने पिता की पेरोल समाप्त होने तक अपनी चाची के साथ रहती है। और थिलागन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है और जेनिफर से शादी और मल्लार के जन्म को याद करता है। उसकी माँ उसे अपनी बेटी को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंबाजगन ने अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अम्बू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बारे में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।